चित्त वग्गो की ये पहली गाथा है, 33 इसका नंबर है, धम्मपद की चित्त वग्गो गाथा नंबर 33। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो तेजनंग। इसकी जो कथा है वो इस प्रकार है, चालीय पर्वत पे भगवान है और वहां पर एक मेघीय नाम का स्थिविर यानी मेघीय नाम का जो भिक्खु है वो रहता है, सीखता है, साधना सीखता है। एक बार वो देखता है कि एक बहुत ही मनोकारी मनोहर मन को हरने वाला चित्त को हरने वाला बहुत ही सुंदर एक बाग है आमों का आम वन बोलते हैं। तो वो सोचता है कि मुझे यहां साधना विपसना ध्यान करना चाहिए, मैं यहां अच्छा मुझे फील होगा और मैं अच्छा यहां पे सीख पाऊंगा। ऐसा सोचकर ऐसा जानकर ऐसा अपने चित्त में अपने मन में एक इच्छा को जागृत कर वो भगवान के पास जाता है। भगवान सारी स्थिति को समझते हैं, वो उसको मना कर देते हैं मगर वो बार बार फोर्स करता है, एक बार दो बार तीन बार, तो भगवान उसके बार बार आग्रह करने पर उसको अनुमति दे देते हैं। वो अपने मनोहर मन का जो उसका स्थान है उस पर वहां जाता है, बाग में चारों तरफ का दृश्य बहुत बढ़िया है, उसके मन के अनुकूल है, वहां जाके वो साधना करता है। साधना जब वो करने बैठता है, ध्यान लगाने बैठता है, तो उसका ध्यान नहीं लगता। पूरे दिन तर्क वितर्क कुतर्क उसके मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के ख्याल, पुरानी जितनी भी सती हैं यानी स्मृति हैं, जितनी मेमोरीज हैं वो सारी खुल जाती हैं, जो भविष्य में कभी हुई नहीं है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती हैं। पूरे दिन उसका मन गड्ड गड्ड इधर से उधर भागता रहता है। विपसना में ऐसी अवस्था तब आती है जब मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, चपल होता है, इधर उधर भागता है और शांत नहीं होता। जिसका मन बहुत ज्यादा फंदनंग यानी कि बहुत ज्यादा स्थिर होता है, धड़कता रहता है, चपल होता है, चंचल होता है, बहुत ज्यादा इधर भागता है, वो विपसना को आरंभ भी नहीं कर सकता, शुरुआत भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, तब तक विपसना में प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि मन को चित्त को ही तो कंट्रोल करना है और वही पूरे भाग रहा है। आप बैठे हुए हैं विपसना में, बहुत बढ़िया जंगल है, बहुत बढ़िया वातावरण है, मगर मन आपका तो कहीं और लगा पड़ा है, चारों तरफ भाग रहा है, तो फिर मन नहीं लगेगा। और अगर मन आपका स्थिर नहीं होगा तो विपसना बिल्कुल भी नहीं होती। तो स्थिवर जो मेघीय स्थिवर थे उन पर भी विपसना नहीं हुई। और ऐसा जानकर वो भगवान के पास गए और भगवान को उन्होंने सारा हाल और सारा किस्सा बताया कि वहां जाके उनका ध्यान लगाने में बड़ी कठिनाई हुई और लग नहीं पाया, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि अगर आप रमणीय स्थल पर जाते हैं तो आपका मन तो पहले ही रमा हुआ है, फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। तब भगवान बुद्ध ने, तथागत ने ये गाथा कही, फंदनंग चपलंग चित्तंग। फंदनंग माने धड़कन या स्पंदन या चंचल, चपल माने होता है चंचल जो इधर उधर भागता है, फंदनंग माने धड़कता हुआ, चपलंग माने जो चंचल है, चंचल को यानी कि धड़कते हुए को, चंचल को, चित्तंग यानी कि चित्त को, मन को, दुरखंग दुनिवार्यंग। दुरखंग का मतलब है दुरखा मतलब है जिसकी रक्षा दुर्लभ हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, जिसमें दू लग जाता है, और रख का मतलब रक्षा है, यानी कि ऐसे चंचल चपल ऐसे फंदनंग वाले दिल को यानी मन को चित्त को रक्षा करना जिसका दुर्लभ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी जिसकी रक्षा करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रक्षा का मतलब है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दुनिवार्यंग का मतलब है, इसमें दू और निवारण लिखा हुआ, निवार्यंग होता है और निवार्यंग से निवारण बना हुआ है, तो दुनिवार्यंग यानी कि ऐसा जिसका निवारण करना बहुत जिसके लिए मुश्किल है, यानी ऐसे चित्त का जो चंचल है, जो भागता रहता है, धड़कता रहता है, उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल है, उसको साधना बड़ा मुश्किल है और उसका निवारण करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि निवार्य माने निवारण करने के योग्य, बहुत ज्यादा मुश्किल है।
उजुंग करोति मेधावी। उजू जो है वो अगर हम संस्कृत भाषा में जाएंगे तो रिजु बोलेंगे इसको। रिजु का मतलब है सीधा, उजु का मतलब है सीधा। यानी हम ये कहें कि ये बहुत ज्यादा उजु है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सीधा है। उजुंग करोति मेधावी, यानी मेधावी जो सक्षम है, जो जानकार है, जो बहुत अच्छा मेहनती है, वो करता है उसको सीधा। किसको सीधा करता है? अपने मन को सीधा करता है। कैसे? उसुकारो वे तेजनंग। उसुकारो, उसुकारा बोलते हैं जो तीर को बनाता है। उसुकारो वे तेजनंग, यानी उसुकारो जैसे, तेजनंग माने होता है तीर को या बैंत को या बांस को, जैसे बांस को तीर को सीधा करता है तीर बनाने वाला, ऐसे ही मेधावी जो व्यक्ति होता है या भिक्खु होता है वो अपने चित्त को, अपने मन को सीधा कर लेता है, उसको साध ले लेता है। ये चित्तवक्की पहली कथा है, पहली गाथा है। धन्यवाद।